हेलो जी, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आज है संडे मॉर्निंग 6:30 AM और हम रेडी होकर बैठ गए हैं गाड़ी में। सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं? सुबह सुबह हम जा रहे हैं दिल्ली रोहिणी मेरी सिस्टर के घर पे। और आगे आने वाले जो व्लॉग्स हैं 10-15 दिन तक आपको दिल्ली के दिखने वाले हैं, क्योंकि मैं वहाँ से जाऊँगी, सिस्टर के घर जाऊँगी पहले, फिर वहाँ से एक दो प्लान्स मेरे और हैं कहीं जाने के, और फिर हमें नानी घर भी जाना है। तो काफ़ी व्लॉग्स जो है वो मेरे आने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप लोग कंटिन्यू करना। और आज मॉर्निंग में मैं सुबह 5 बजे उठी, फिर मैंने शावर लिया, फिर बच्चों को नहलाया। एक्चुअली यहाँ पे आके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और गला मतलब काफ़ी ठंडा पानी पी पी के गले की वाट लगी हुई है, इसलिए थोड़ी आवाज़ जो है उसे मेरी इग्नोर करना। तो बस सुबह जल्दी उठ गई थी और बच्चों को रेडी करके, मतलब 5 बजे का प्लान था कि हम लोग घर से निकलेंगे, पर एज़ यूजुअल मैं टाइम पे रेडी नहीं हो सकती हूँ, तो हम 6:30 पे घर से निकले। और इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, गुगू की आइज़ तो मतलब ऐसे लग रहा था कैमरे को देखते देखते ही बंद हो जाएंगी, सो जाएगी वो। बस बीच बीच में हम लोग ले रहे थे पावर नैप और हस्बैंड भी बोल रहे थे यार तुम तो आराम से पीछे सो रहे हो, मुझे ड्राइविंग करना पड़ रहा है। एक्चुअली वो ऑफिस से सैटरडे नाइट को बहुत ज़्यादा लेट आए थे, तो किसी की भी नींद जो थी वो पूरी नहीं हुई थी। तो बस और सफ़र भी बहुत लंबा था, 5-6 घंटे का टाइम है, मतलब लग जाता है वहाँ जाने पे। नेविगेशन में भी 11 बजे का दिखा रहा है, तो लेट्स सी हम कितने बजे वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि आगे ट्रैफिक जैम के अकॉर्डिंग जो है वो टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। तो बस पावर नैप लेने के बाद हम तीनों उठ गए, और रस्ते में था कोई मतलब अम्बाला क्रॉस करके, हाँ कुछ ऐसा था, शिव डिलक्स कुछ इस तरह का होटल था, तो हम लोग वहाँ पे रुके थे। ब्रेकफास्ट नहीं किया हम लोगों ने, यहाँ पे वॉशरूम किसी को जाना था, और साथ में मैंने यहाँ पे कुछ ले लिया बाहर, जो मतलब एक शॉप थी वहीं से मैंने चिप्स ले लिए, पैक्ड फूड पैक्ड सैंडविच ले लिया, कुछ छोटा मोटा मतलब ऐसे ही खाने का ले लिया था। तो बस ये सब लेकर फिर हम लोग बैठ गए गाड़ी में, और फिर आगे अपना सफ़र हमने कर दिया स्टार्ट। और मुझे था कि मूर्थल सोनीपत जाने के पास, वहाँ पे ना नीचे से मतलब जाओ ना तो काफ़ी फ्रूट्स वाली रेड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो यहाँ पे हस्बैंड कर रहे हैं आराम से अपना ड्राइविंग कर रहे हैं, साथ साथ गाना गा रहे हैं, तो मैं आपके साथ करती हूँ शेयर। तो आराम से नहीं गाने में लगे होते, मैंने चुपके से इनकी वीडियो बना ली, क्योंकि अगर इनको बताते बनाऊँ ना तो फिर ये बनवाते नहीं है। बस साथ साथ हम लोग कर रहे हैं चिप्स इंजॉय, और थोड़ी देर में आगे बैठ गई थी, एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मैंने कहा थोड़ा बातें बातें करूँगी ना तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा मतलब एक्टिव फील करेंगे। और बस फिर यहाँ पे कुकू भी आराम से लगी हुई है चिप्स खाने, मतलब कुकू को चिप्स मतलब कुकू के हम देते नहीं हैं, पर जैसे कभी कभी कई बार जाते हैं खाते हैं, तो इसके इतने फेवरेट है ना, मतलब बिस्किट्स नहीं खाती पर इसको चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। खाती पीती कुछ इस तरीके से हम लोग अपने सफ़र को कर रहे हैं इंजॉय। और अभी टाइम जो है नेविगेशन को धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मैंने 11 बजे तक, 11:30 हो गया है, और बस यहाँ पे हम मूर्थल से आगे मतलब सोनीपत के पास पहुँच गए हैं, और यहाँ पे हम फ्रूट्स की रेडी पे रुके हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे उनके घर के लिए लेने हैं कुछ फ्रूट्स, तो मैंने यहाँ पे लिया है मतलब मैंगो सीजन है तो डेफिनेटली मैंगो लिए, और साथ में मैंने लिए मस्क मेलन यानी कि खरबूजे, और ये सोनीपत वाला टोल है। तो बस जल्दी से हम वहाँ पहुँच जाएँ, मतलब रास्ते में ना यार ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। बस फिर पीछे बैठ गई थी, गुगू फिर से रो रही थी, मतलब काफ़ी बच्चे इरीटेट हो रहे थे। तो यहाँ पे हम पहुँच गए मधुबन चौक, मधुबन चौक के बाद है रोहिणी वेस्ट, रोहिणी ईस्ट, दैन मतलब उनका जो सेक्टर है सेक्टर 24 आ जाता है। तो यहाँ पे कम से कम मतलब 50 मिनट्स का ट्रैफिक जैम था, और यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब जब मर्जी आ जाना यार मुझे लगता है ट्रैफिक जैम होता ही होता है। तो यहाँ पे हम फाइनली 12 बजे उनके घर पे पहुँच गए, तो मेरी सिस्टर आ गई है नीचे हमें लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, तो वो गाड़ी लगवा रही है भगत जी की पार्किंग पे, मतलब हस्बैंड की। और यहाँ पे उनकी जो नेम प्लेट है वो है राघव हाउस के नाम से, तो राघव मेरी सिस्टर का बड़ा बेटा है, तो उनके नाम पे नेम प्लेट है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो गाइस ये था मेरा छोटू सा ब्लॉग, आपको कैसा लगा? और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो बने रहना।